सूर्या के पाकिस्तान में शादी करने के बाद दोस्तों उनकी पुरानी पत्नी गुस्से में चली गई है कोर्ट। अब सूर्या कुमार यादव को जाना होगा जेल, तो क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव और दोस्तों कैनात इम्तियाज को लेकर के खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि दोनों शादी करेंगे, और इसी बात को लेकर के दोस्तों उनकी पुरानी पत्नी जिनका दोस्तों पहले से ही सूर्य कुमार यादव के साथ शादी हो चुका है, वह अब दोस्तों कोर्ट चली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सब। और दोस्तों कोर्ट में अर्जी डाल दिया है मुंबई में, जहां पर दोस्तों उनका कहना है कि सूर्य कुमार यादव ने इनके साथ नाइंसाफी किया है और इसी का इंसाफ मांगने दोस्तों वह कोर्ट पहुंची हुई है। दोस्तों आपको बता दें, कैनात इम्तियाज और सूर्य कुमार यादव को लेकर के दोस्तों कयास यह है कि इसी महीने में दोनों शादी कर सकते हैं और दोस्तों सूर्य अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों से छाई हुई है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि उनकी पत्नी नहीं चाहती है कि उनके बीच तलाक हो, इसीलिए दोस्तों उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि दोस्तों कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट का फैसला सूर्या के अगेंस्ट जाता है तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव को सजा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव दोस्तों अभी फॉर्म में चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों उनका माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, अभी फिलहाल सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप टीम के लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और वहां पर वह तैयारी भी कर दिए हैं। आपको बता दें 16 अक्टूबर से दोस्तों शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, जहां पर आपको सूर्य कुमार यादव भी खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों फैंस काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सूर्या का बल्ला T20 वर्ल्ड कप में क्या एबी डिविलियर्स की तरह मिस्टर 360 बनकर बोलेगा या फिर ऐसे ही मौन रहेगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव की पत्नी ने सही किया या फिर गलत किया, या फिर सूर्या गलत है या फिर उनकी पत्नी गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।